अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और ये मेरी व्लॉगिंग है, मैंने आपको आज दिखाऊंगा शाहजहां मस्जिद में जुमा पढ़ने जा रहा हूँ और वहाँ पे उन्होंने क्या एहतियाती तदाबीर की हुई हैं कोरोना वायरस को लेके। तो ये हमारा जिस जगह पे हम रह रहे हैं, हमारी कम्युनिटी आप पीछे देख सकते हैं, घर हैं। और अभी मैं जाते हुए आपको दिखाऊंगा रास्ते में जाते हुए, तो वहाँ पे जाके आपको दिखाएंगे शाहजहां मस्जिद, जो कि एक हिस्टोरिकल मस्जिद है। और यहाँ पे यूके में सबसे पहली मस्जिद जो बिल्ट हुई थी, पर्पसली बिल्ट मस्जिद, जो मस्जिद के तौर पे जो बिल्ट हुई थी, वो शाहजहां मस्जिद है, वॉकिंग में है वो। तो आपको वहाँ पर लेके जाऊँगा मैं, दिखाऊँगा, बहुत हिस्टोरिकल है वहाँ पर। माशाल्लाह से दो ऐसी पर्सनैलिटीज़ वहाँ पे रही हैं वॉकिंग में, और उनका आना जाना मस्जिद में रहा था, जिनका बहुत ही ज़्यादा काम है इस्लाम इस्लाम के लिए। अगर आप जानते होंगे मोहम्मद पिक्टल, जिन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन में कुरान लिखा था। ये अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स वगैरह कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब। रसूल सलाम अलैका, अभी मस्जिद में उन्होंने एहतियाती तदाबीर भी की हैं कि हर बंदा मास्क पहन के आएगा, तो ये भी पहनना लाजमी है। और अपना मसाला खुद ही बैग में डाल के लेके आना है, क्योंकि जो उन्होंने ले भी चलते हैं। अभी यहाँ से चल के जा रहे हैं, वो एंट्रेंस आपको दिखाते हैं एक किधर है। माशाल्लाह से ये मस्जिद में आने वाले नमाजियों के लिए उन्होंने, अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो रखा है, तो ये लाइनें बना के सभी जा रहे हैं। और इंतज़ामिया का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम भी है माशाल्लाह से, और जो भी अंदर जाता है सबको चेक करते हैं टेम्परेचर वगैरह के, सब ठीक है कि नहीं। अगर किसी का हाई टेम्परेचर है तो उसको जाने की इजाज़त नहीं है।
और ये एक छोटा प्लेग्राउंड भी है बच्चों के लिए, लेकिन आजकल बंद किया हुआ उन्होंने कोरोना की वजह से। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स। वो पीछे एक दो तीन कमरों का घर भी है इमाम साहब के लिए, काफ़ी अच्छे। यहाँ पे बाग भी है बच्चों के लिए खेलने की जगह, प्लेग्राउंड। वो मस्जिद का हॉल, हॉल नंबर वन। बड़ा एक दूसरा भी हॉल है औरतों के लिए भी ज़्यादा। तो देखिए आपने जगह जगह उन्होंने सैनिटाइज़र भी रखे हुए हैं, काफ़ी सारे वॉलंटियर्स भी। ये माशाल्लाह से मस्जिद ने नीले पट्टियाँ नीचे रखी हुई हैं कि यहाँ पे आप मसल्ला लगा सकते हैं डिस्टेंस के लिए। आप देख सकते हैं कि सभी लोग गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। तो एक एक करके पहली कतार बना के सभी निकल रहे हैं, पहले एक लाइन, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, इसी तरह करके। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोग जल्दी जल्दी में सभी एक टाइम पे नहीं निकल रहे, तो उसकी वजह से भी वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके ऊपर भी काफ़ी जो ना वो असर पड़ता है, तो वो ठीक नहीं है। तो सभी तआवुन कर रहे हैं, तो जो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम वापस आ गए हैं मस्जिद में। इमाम साहब ने कहा था कि अपनी सुन्नतें और नफल घर जाके पढ़ी, तो मस्जिद में वो पढ़ने की इजाज़त नहीं है, बस जुमे की नमाज़ पढ़ के आए हैं। सभी वापस आ गए हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोज़। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ उस्मान अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।